हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मानसून का एक बहुत खूबसूरत प्लांट कोलियस के बारे में बताऊंगी। आप कोलियस एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो हमारे गार्डन में बहुत कलरफुल इफ़ेक्ट होता है। गर्मी का सीज़न, मानसून का सीज़न में हमारे पास ज़्यादा फ्लावर नहीं होते तो हम कोलियस को ही लगाते हैं। कोलियस से ही अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। इसकी खूबसूरत रंग बिरंगी पत्ती होती है हमारे गार्डन में, बहुत खूबसूरत रंग लेकर आती हैं। दोस्तों, कोलियस को ग्रो करना कटिंग से कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसको ज़्यादातर यूट्यूबर्स बताते हैं उसको कटिंग करिए फिर उसको पानी में डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कटिंग करके डायरेक्ट ही उसको लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पॉट में लगाया हुआ है, मैंने डायरेक्ट एक कटिंग ली थी और स्पॉट में लगा दी थी। मिट्टी नॉर्मल जैसे हमारे गार्डन में होती है जो आप तैयार करते हैं सब के लिए, वही मेरी इसमें है जो मैंने फ्लावर्स के लिए रेडी की थी। इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके इसको दोबारा से ये लगा दिया। और ये सारे ही प्लांट्स जितने आप, ये कोलियस मेरे पे बहुत बहुत टाइप के कोलियस हैं, बहुत वैरायटी है। ये ग्रीन कलर की देखिए आप कितना खूबसूरत निकल कर आ रहा है। ये मैंने एक कटिंग ली थी पड़ोस से, नेबर से, मेरे फ्रेंड हैं उनसे मैंने कटिंग ली थी। ये सब ही मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, कोई भी प्लांट्स मैंने ख़रीदा नहीं है। ये सारे कटिंग से लगाए हुए, इनको तकरीबन एक महीना हो गया है। उस टाइम पे बहुत स्लो चले थे लेकिन अब वो मानसून में जो अब मैं इनकी कटिंग लगा रही हूँ वो बहुत फास्ट एकदम से ग्रो कर रही है। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस टाइप से ये कटिंग से लगा हुए प्लांट्स है। इसमें से यहाँ से मैं छोटी सी कटिंग ले लेती हूँ, हाथ से तोड़ लेती हूँ, उसमें कोई भी ऐसी वो बात नहीं है। एक्चुअली इनकी पिंचिंग भी करनी पड़ती है, अगर आप पिंचिंग करते हैं तो उसी टाइप से आपने थोड़ी सी लंबी एक टहनी ले लीजिए आप और उसे तोड़ के उसके बड़ा खूबसूरत का लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको ये पॉट में मैंने लगाया था वो मैं बताती हूँ, इसी सेम मेरे पे पॉट है। अब मैं इसे साइड के दोनों पत्ते इसको हटा लेंगे थोड़ा सा पकड़ने के लिए, साइड हटा दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स करके और डायरेक्ट लगा देते हैं। थोड़ा सा होल कीजिए मिट्टी में और डायरेक्ट इसको लगा दीजिए। इसमें कोई ऐसे कुछ नहीं है कि आप इसको पहले पानी में रखिए फिर उसको रखें, बरसात का मौसम मानसून में आप इसको डायरेक्ट लगाइए। ये मेरा डायरेक्ट लगा हुआ पौधा है और ये 8-10 दिन में जड़ पकड़ लेता है। ये ऐसा प्लांट है, आपको कहीं पर भी लगा दीजिए। मैं छोटी छोटी जब भी मैं पिंचिंग करती हूँ, मैं कटिंग ले लेकर थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ। आपको दिखाऊंगी मेरे बाहर के गार्डन में भी मैंने काफ़ी ट्रे इसकी तैयार की हुई है। ये देखिए ये बड़ा हो गया, ये देखिए मेरे गार्डन में आपको ट्रे दिखाती हूँ। ये क्या है, मैंने छोटे से प्लांट लगाए थे लेकिन मुझे इनकी पिंचिंग करनी पड़ती है। अब मैं पिंचिंग करती हूँ, ऐसे मैंने इसकी पिंचिंग की तो मैं इसको साइड में ही जहाँ पर जगह खाली है क्योंकि मुझे इसे फुल करना है और मैं इनकी पिंचिंग कर करके इनको साइड में वहीं पर लगा देती हूँ, साथ के साथ लगा देती हूँ। देखिए मैंने ऐसे लगा दिया साथ के साथ, तो ये ट्रे फुल हो जाती है। इसी ट्रे में कम से कम मैंने 20-25 कटिंग लगाई हुई है जो ये इस तरह से बाद में फुल कवर करती है। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सब कटिंग से लगाए हुए हैं मेरे। एक टहनी लगाई थी उसके बाद पिंचिंग कर करके मैंने इसको सब में, अभी भी जब मुझे पिंचिंग करनी पड़ती है, अब देखिए ये यहाँ पर मैंने पिंचिंग करके सारी कटिंग लगाई हुई है जो 8-10 दिन में ऊपर आके ये मल्टी कलर में सब हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और इनको पिंचिंग करना तो कंपलसरी है, हम लोग बाद में इसको पिंचिंग करके फेंकने से बेटर है कि हम इसको लगाएं। कोई ऐसा नहीं है पानी में रखिए, कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट लगाइए। सब मेरे डायरेक्ट लगाए हुए हैं, देखिए मेरी एक ट्रे है, मैंने 15 दिन पहले लगाए थे ये लोग। अब देख रही हूँ मैं इनको, आप इनमें से जो भी पत्ते या वो हैं इनको हटाइए, थोड़ा साफ़ कीजिए और जो जगह बचती है वहाँ से आप उधर से वो लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए ताकि ये भर जाए। ये मेरे अभी न्यू है तो इसको भरने में टाइम लगेगा। इसी टाइप से मैंने दूसरी ये लगाई थी जो कि फुल हो चुकी है। देखिए इस तरह से जहाँ भी जगह मिलती है आपको वहीं पे मैं साथ के साथ लगा देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, साथ के साथ लगा देती हूँ। अब आप देखिए ये लगा दी है मैंने, सब कटिंग लगी हुई है और ये सब मैंने कटिंग लगाई थी जो ये फुल हो गई हैं। इसी तरह से ये अभी कुछ कटिंग देखिए, अभी छोटी छोटी कटिंग अभी साइड में आप देखेंगे चल रही हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों ये इस तरह से मैंने मानसून का तैयार किया था अपना गार्डन, और ये मैंने पर्सलेन के साथ अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, पर्सलेन और कोलियस, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली है जो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, क्योंकि पर्सलेन जो है वो मॉर्निंग में खिलते हैं
तो इस टाइम वो खिल नहीं रहे हैं, तो मैं वो खिले हुए पर्सलैन पोलियस के साथ कैसे लगते हैं आप मेरी वीडियो में देखिएगा कितना खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आने हैं इसके देखने में। ये देखिए ये प्लांट, ये वाला प्लांट मैंने ख़रीदा था, ये मुझे कटिंग कहीं नहीं मिली। इसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं आप उनको पिंच करते रहिए, नहीं तो फिर वो आगे बढ़ेंगे नहीं, फ्लावर्स नहीं रहने चाहिए इनके ऊपर। और इसकी कटिंग मैंने ये साइड में लगाई हुई है, ये अभी 2 ही दिन हुए हैं इनको लगाए हुए, यहीं पे फुल हो जाएगा ये मेरा पॉट, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसके बाद आप देखिएगा मैंने इसकी कटिंग जो है बीच में अपने इसमें ये लगाई हुई है पर्सलेन के साथ। इस टाइम पर्सलेन खिल नहीं रहे हैं लेकिन ये जब खिलते हैं मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके मल्टी कलर के साथ रेड और येलो पर्सलेन है मेरे पे, पिंक रेड येलो। आप इसकी मैं वीडियो दूंगी लिंक में, उसका आप देखिएगा कितना खूबसूरत, आपको भी आइडिया होगा शायद, आप उससे कुछ आइडिया लेकर आप उसको बना सकते हैं, अपने गार्डन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देखिएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे आपके पास ऐसे वीडियो डालती रहूँ, थोड़े थोड़े आइडियाज़ देती रहूँ।